हाँ जी, आप इसे कहा जा रहा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। और मैं अपनी नानी के घर आई हुई थी, क्यों? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के पास गई थी और वहाँ पर एक शादी की दावत भी आई हुई थी। हमने कहा चलो अब खाने के भी मज़े उठा लिए जाए और इन्जॉय भी पूरी पूरी तरह किया जाए, ठीक है। और मैंने जो है बहुत मज़ा किया अपने मामों के साथ, मामियों के साथ, कज़नों के साथ और नानी के साथ। हाँ, और यहाँ पर हम घर से निकले ही हैं अंधेरों में रात के टाइम। और फिर हमारे साथ भी मेरी खाला भी थी, खालू भी थे, तो उनकी गाड़ी पीछे पीछे आई जा रही है और हम आगे आगे चले जा रहे हैं और मस्तियाँ भी साथ साथ। कैमरे में आ रहे हाथ हिलाइए दूर हो गए मामू के साथ जाओ आप ही इधर ही आप ही इधर ही उतर 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 ये मेरा पर्स मामू पर्स पकड़ लिए मामू को शर्म नहीं आ रही मार देखो कितनी शर्म मामू मुझको भी हाँ जी, हॉल के सामने पूरी फैमिली पहुँच चुकी है और अब हम लाहौर मतलब शादी हॉल में एंटर करने जा रहे हैं। बस बड़ा मज़ा आया था, अच्छी डेकोरेशन थी, हॉल भी बहुत अच्छा था और कज़न्स भी थे साथ साथ, तो मौजा ही मौजा थी हमारी। और हम सारे के सारे मटर कश्तियाँ करते हुए चल रहे थे, चिल हो गए एकदम आराम से, सुकून से। मैं आपको ना लेट लतीफ़ लोगों से मिलाती हूँ, आप सब देख सकते हैं ये है लेट लतीफ़ लोग, खाला लोग, मेरी खाला लोगों की बहू है और उनकी बेटे जो बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ है और काम भी देर से करती है। मेरे मामू भी थोड़े हैं, वो भी आराम से आते हैं, आपने देखा होगा मेरी कज़न अनम को, तो वो भी है यहाँ पर आई भी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी शादी में, फिर हमने दूर दूर के नज़ारे कैमरे से ही कर लिए। बाकी खाने पे भी झपट्टा मारा हमने, बहुत सारा खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भी भरा हमने अपना और शादी भी अच्छी तरीके से इंजॉय की, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपने जो है साल बाद तो मिलती हूँ मैं अपने मामा मामी से, नानी से और अपने कज़नों से, लेकिन बहुत सालों बाद मैं अपने एक कज़न से मिली हूँ अनम से, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेरे मामा वगैरह बहुत ज़्यादा स्वीट है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जब मैं अपनी नानी के घर गई थी, मेरे मामू जो हैं उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, बड़े ही प्यार से रखा और उन्होंने मुझे दवाई भी दी, तो जो है ना बहुत सारा प्यार मेरे मामू के लिए, मामियों के लिए, कज़नों के लिए और नानी के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं हिसाब ही नहीं लगा सकती। अगर मैं मतलब पास में जाना चाहूँ ना, तो ये दिन तो मैं ये शादी वाला दिन ज़रूर वापस लाना चाहूँगी, क्योंकि वाह मज़ा आ गया। लापता गुमशुदा लापता नहीं है भाई, ऐसे 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 ब्रांड ब्रांड है हमारा, ये देखें आप, ये देखें प्योर जरी का काम, बिजनेस माइंड देख लो बस बस इसका। अभी खड़े खड़े इसको सेल कर सकती हूँ पूरे जोड़े को, मैं जोड़े का ही करना आदि भी आए, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये क्या ले रही हो तुम? कपड़े ले रही हो सेला? भाई मैं कहूँ मैं कपड़े ले रही हूँ, क्या करेगी पता है क्या ले रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी खाला की बहुत प्यारी फैमिली है, छोटी सी और प्यारी सी, और सभी बहुत प्यार करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे मामू और मेरी अम्मी बात कर रहे हैं एक साथ मिलके, और यहाँ पर मेरे भाई हैं और मेरे खालू हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है ना बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पर मेरी भाभी और मेरी जो है कज़न की पिक्चर्स हैं, और यहाँ पर शादी की कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी तो वो मैं आप सबको शो करवा देती हूँ। और फिर घर जाने का टाइम हो गया था तो हम लोग घर के लिए भी निकल गए। सच बोलो तो मेरे घर जाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे मामू मामी खाला खालू सब बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत ही लविंग लोग हैं और बहुत ही इंजॉय करती हूँ, लेकिन फिर भी हमने घर जाना था मतलब अम्मी के साथ, क्योंकि मेरी अम्मी की भी तो तबीयत ख़राब थी तो मैं एक दो दिन के लिए ही रुकी थी, बाकी मैंने घर जाना था। अम्मी के साथ मैं अपनी प्यारी अम्मी के साथ भी घर जा रही हूँ। लेकिन आप पूरी वीडियो को देख लिया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़।